हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियो आपको इसी चैनल पर सिर्फ देखने को मिलती है, रियल वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्रो एप्लीकेशन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करना चाहते हैं वो आप म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ SBI कॉन्ट्रा, ठीक है। अभी जो इसकी NAV थी वो यहाँ पर गिरी हुई थी, और इसी के साथ में अब एक दो दिन से ही यहाँ पर, मैंने आपको पिछले बताया था कि एक मंथ से यहाँ पर ये इसका जो इनकी लॉस था वो यहाँ पर होता जा रहा था, ठीक है। पर अब एक दो दिन से यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उठने लगा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि मैं इसमें आपको पैसे को निवेश करके भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड, इस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको इसमें सारी चीज़ें ही देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इन्वेस्ट, ठीक है। इसमें मेरे पहले भी यहाँ पर थोड़े पैसे थे वो यहाँ पर निवेश हुए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो NAV थी वहाँ पर उस समय कम गिरी थी, तो उसके बाद में और ज़्यादा गिर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी माइनस में दिख रहा है, पर अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उठने लगा है। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि आखिर इसमें किस तरीके से प्रॉफिट होता है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की बातें हैं आप अन वीडियोस में सब कुछ सीख जाएंगे, जब भी मेरी एक दो वीडियो देखेंगे तभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर। अगर आप, यानी कि अभी ये यहाँ पर एक मंथ से लॉस में चल रहा है, अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपये इसमें निवेश किए होते तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 41.18 का रिटर्न। कहने का मतलब है अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपये आज की ही डेट में 2023 में इसमें निवेश किए होते तो उन 1,00,000 रुपये की वैल्यू होती 1,41,180 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी के साथ में SIP भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये पर मंथ, और एक साल तक आप करते तो इसमें जो आपका अमाउंट होता वो यहाँ पर 60,000 जमा हो जाता, ठीक है। इसी के साथ में आपको जो टोटल अमाउंट आज की डेट में आपको देखने को मिलती वो मिलती यहाँ पर 65,743, यानी कि 9.57 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता। यहाँ पर आपको रैंक देख सकते हैं, रिटर्न रैंक, ठीक है। जैसे कि एक साल में इसने कितना दिया है, तीन साल में इसने कितना दिया है, पाँच साल में इसने कितना दिया है, और इसी के साथ में आल, यानी कि अगर आपने इसमें पैसे को डाल के छोड़ दिया तब भी आपको 17.8 का इसमें रिटर्न देखने को मिला है। तो इस प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि रैंक एंड कैटेगरी, तो यहां पर देखने को मिल जाता है 14-2 और इसी के साथ में 1, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में जब भी आप म्यूचुअल फंड पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्सपेंसिव रेट, ठीक है। एक्सपेंसिव रेट क्या होता है, जैसे कि जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसे को अपने निवेश कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है आप इसे एक सिक्योरिटी चार्ज समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो हम, यानी कि 0.58% उसे सिक्योरिटी चार्ज देंगे। ये भी डायरेक्ट में है, अगर आप रेगुलर के थ्रू जाएंगे तो 1.5152 या 55 तक आपको देना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आपको डायरेक्ट के थ्रू बताता हूँ हमेशा कि आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसी के साथ में यहाँ पर 1% आपको एग्जिट लोड लग जाएगा अगर आपने एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल किया तब, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगर आप, पहले था कि 2023 में कि आपको 15% शॉर्ट टर्म टैक्स पे करना पड़ता था, और इसी के साथ में लॉन्ग टर्म पर आपको 10% देना पड़ता था, पर यहाँ पर 2024 से ये कुछ रूल्स हैं यहाँ पर बदल गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप, यानी कि एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा। इसी के साथ में आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, और एक साल या फिर एक साल से अधिक हो जाता है आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड में, तो आपको यहाँ पर 1,25,000 की आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, और आपको 12.5 टैक्स पे करना होगा। जो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना दी है, वो वीडियो आपको स्क्रीन पर या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके एक्चुअली में फंड मैनेजर कौन है, जैसे कि दिनेश और प्रदीप, ठीक है। इनकी आप क्वालिफिकेशन वगैरह भी आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये मैं अभी ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले ही पता है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर फंड हाउस यानी कि इनका ऑफिस कहाँ है, ठीक है, वो आप यहां से सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ में ऑथर प्लान भी आप यहां पर देख सकते हैं, पर हमें ऑथर प्लान की यहां पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको नीचे में भी और यहां पर देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें यही सबसे अच्छा लगा है, तो हम इसी में ही पैसे को निवेश कर देंगे। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 की इसमें रेटिंग देखने को मिली है। अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो अब इस समय सबसे अच्छा मौका है और आप इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं। हमें इस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना है तो सारी जानकारी है वो हमने यहाँ पर देख ली है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें SIP चलाना है या फिर वन टाइम यानी कि एक ही बार में पैसे को निवेश करना है, तो मैं तो यहाँ पर SIP नहीं चलाता हूँ। फिलहाल मैं वन टाइम यानी कि एक ही बार में पैसे को निवेश कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर वन टाइम पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में पर इस म्यूचुअल फंड में कितनी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 98,000, मैंने यहाँ पर 98,000 डाल दिए हैं। एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसे को जमा करते हैं तो उन पैसों से आप ना तो म्यूचुअल फंड ना तो SIP आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रो एप्लीकेशन का वॉलेट है वो कुछ अलग तरीके से है, बैंक से कुछ अलग है। तो आपको अपने बैंक खाते से ही पैसे काटने होंगे जब भी अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर SIP या फिर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है जैसे कि गूगल पे के थ्रू करना चाहते हैं, अगर आप कोई वॉलेट चलाते हैं तो आप अपने वॉलेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, फिर आप नेट बैंकिंग का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर अपने गूगल पे से ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर पे पर मैं सिंपली क्लिक कर दूँगा, पे पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटो वेरीफाई हो जाता है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद में हम पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इतना कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाता है यानी कि UPI पिन डालने का ऑप्शन। तो चलिए हम अपना यहाँ पर UPI पिन डाल देते हैं, जो भी हमारे गूगल पे या फिर फोन पे का पिन है, हम यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं तो कहने का मतलब है कि हमारा 98,000 रुपये का जो भी हमने इसमें पैसा निवेश किया है वो हमारा ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है SBI कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। तो अब जो भी 98,000 रुपये की जो भी हमारी NAV होंगी, यूनिट होंगी, वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ में अगर हम मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ, डन करने के बाद मैं यहाँ पर इसे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में योर ऑर्डर इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं जो आपका ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आपका पैसा है वो अभी NAV खरीदी नहीं गई है, पर यहां पर अगले दिन आपको 2 दिन तक यहां पर लग सकते हैं जो भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया है उस म्यूचुअल फंड में से जो भी NAV होंगी आपकी 98,000 की, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 98,000 ऐड किए हैं और आप जितने भी करेंगे तो उस हिसाब से आपकी NAV यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हटाकर मैं दोबारा आपको ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन को हम सिंपली ओपन करेंगे, अपना यहाँ पर हम MPIN एंटर कर देंगे, हमें म्यूचुअल फंड पे सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर SBI कंट्रा में कर रखा है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरा पैसा पहले का निवेश हुआ बता यानी कि 7,199 रुपये, तो वही अभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर
जो मैंने आज पैसा अपना इसमें निवेश किया है वो पैसा मुझे बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब ये प्लस में जा रहा है, यानी कि पर डे यहाँ पर प्लस में जा रहा है। इसकी किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, किस तरीके से लॉस होगा, तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को देख सकते हैं, और बाकी का जो दो दिन के बाद आपको यहाँ पर वो भी पैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। तो लॉस होने की यहाँ पर चिंता नहीं है, बस आपको यहाँ पर कुछ समय देना होता है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास समय है तभी आप अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करें और तभी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।